गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग जानते हैं कि मेजरमेंट कितना आवश्यक है आजकल के जमाने में। जब हम लोग का जो स्कूल का रिपोर्ट कार्ड बनता है तो रिपोर्ट कार्ड में भी उस पर हाइट मेजरमेंट करना पड़ता है, हाइट और वेट लिखना पड़ता है, लिखना करता है मेजरमेंट। और हम लोग अगर पुलिस की भाली में जाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की भाली में जाते हैं, वहाँ भी हाइट मेजरमेंट होता है। वहाँ भी चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, सारे का हाइट मेजरमेंट किया जाता है। वो एक वहाँ पे भी एक क्रिटेरिया होता है, उस क्रिटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। कितना लड़कियाँ लड़कियों का हाइट कितना रहना चाहिए, लड़कों का हाइट कितना रहना चाहिए, पता क्यों होता है कितना आवश्यक। हम लोग किसी का BMI निकालते हैं, शरीर का BMI निकालते हैं, तो BMI निकालने के लिए भी हम लोग को हाइट की आवश्यकता मेजरमेंट करना पड़ता है। इसलिए आप लोग हाइट निकालना नहीं जानते हैं, लेकिन आज आप लोगों के बीच एक छठी कक्षा की छात्रा आकृति कुमारी वो बताएगी कि आप किसी व्यक्ति का आप लोग हाइट कैसे निकालेंगे, चाहे स्कूल में हो कहीं भी हो, तो किसी का हम हाइट कैसे मेजरमेंट करेंगे। वो आकृति कुमारी कक्षा 6 की छात्रा है, वो आप लोग को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताएगी कि हम लोग किसी का हाइट कैसे निकालेंगे। आकृति कम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आकृति कुमारी फ्रॉम क्लास 6 एंड दिस इज पब्लिक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और कीर्तनगंगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि एक व्यक्ति का हाइट कैसे माप सकते हैं। वो एक एक्सपेरिमेंट के मैं इस एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए मैं अपने क्लासमेट सौरभ कुमार को बुलाना चाहती हूं। इसके हाइट को नापने के लिए मुझे एक मेजरिंग टेप और एक मार्कर, उसके हाई मार्कर चाहिए इसके हाइट को पॉइंट करने के लिए। और इस टेप को हम अपने बॉडी के टॉप पार्ट पर रखेंगे और इसके इसमें मार्कर पॉइंट करेंगे। तो स्टार्ट मतलब यानी कि 4 फुट 10 इंच। इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हैं। थैंक यू।